Hello students, welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing your grade 10 ka economics ka chapter, that is sectors of the Indian economy. Aur is session mein log karne wale 10 most important MCQs to ace the chapter. Chapter ke kaise easily matlab हो जाना चाहिए, हाउ टू डू दैट. सो दैट 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम करेंगे. पहले थोड़ा सा वी विल डू रिवीजन आल्सो, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे. सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस. सो पहले हम देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमी, हमारे कंट्री की इकोनॉमी आती कहाँ से, करेक्ट. सो बेसिकली हमारे कुछ तीन बेसिस होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. ठीक है, और इन तीनों सेक्टर के बारे में वी स्टडी इन दिस चैप्टर इन डिटेल. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट पे, पीपल व्हेन दे आर एम्प्लॉयड हाउ इज देयर कंडीशन, करेक्ट. सो वी हैव द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द इनऑर्गेनाइज सेक्टर, आई विल टेल यू इन डिटेल ऑल्सो. अब ओनरशिप पे, कंपनी में वी विल वर्क, राइट. सो कंपनी इज लाइक यू नो ओन्ड बाय हुम, इज इट पब्लिकली बाय फ्यू पीपल और ग्रुप्स, और इट इज इट सॉरी पब्लिक सेक्टर बाय द गवर्नमेंट, और इज इट अ प्राइवेट सेक्टर बाय सम ग्रुप और इंडिविजुअल्स, करेक्ट. सो दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, करेक्ट. सो आज तो हम क्वेश्चन करेंगे, विल डू रिविजन ऑल्सो, डोंट वरी. अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर वी एज आई सेड वी हैव प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. प्राइमरी सेक्टर इज द फर्स्ट सेक्टर वेयर वी एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब वी डू द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स. ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में वी डू द मैन्युफैक्चरिंग, ओके. जो हमने नेचुरल प्रोडक्ट्स खरीदे, एक्सट्रैक्ट किए, उनको वी मैन्युफैक्चर, और जब मैन्युफैक्चर हो गया, प्रोडक्ट बन गया, सो देन वी हैव टू सेल. सो मार्केटिंग एंड सर्विसेज इज गिवन बाय द टर्शरी सेक्टर, ओके. नेक्स्ट, बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन. एम्प्लॉयमेंट पे ऐसे ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है और एक अनऑर्गेनाइज होता है. ऑर्गेनाइज मतलब जहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी है, यू हैव फुल सिक्योरिटी कि हाँ एकदम सेफ एंड सिक्योर जगह है, वी कैन ईजिली वर्क हियर. जैसे आपको प्रॉपर पेमेंट्स मिलती है, रेगुलर मिलती है, एंड इफ देयर आर अर्जेंट लीव्स दैट इज ऑल्सो गिवन टू पीपल, करेक्ट. अनऑर्गेनाइज मतलब एक स्मॉल और स्केटर्ड यूनिट है, जिसमें न देन नो सिक्योरिटी इज गिवन, है ना, कोई लीगली पेपर पे कुछ काम नहीं होता, ओके. एंड द लास्ट वाला आता है ओनरशिप के बेसिस पे, ओनरशिप मतलब किसने ओन किया है. पब्लिक सेक्टर जो होता है दैट इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है, सारे एसेट्स और प्रोवाइडर जो है सारी गवर्नमेंट करती है, ओके. प्राइवेट सेक्टर एक ऐसे होते हैं, जैसे नाम से वी गेट टू नो, प्राइवेट. प्राइवेट मतलब यू इट इज कंपनी, जो कंपनी है वो कोई इंडिविजुअल से कुछ लोगों ने मिलके बनाई है, करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल्स भी, एक तो होता है पब्लिक स्कूल, एक होता है इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूल्स, करेक्ट. पब्लिक स्कूल मतलब जो गवर्नमेंट उसकी फंडिंग करती है, प्राइवेट स्कूल मतलब जो हमारे मतलब जो कोई 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 इंसान ने, ट्रस्टीज एंड ऑल ने बनाया, ओके. सो दैट इज द मेन सार ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओके. अब हम जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ओके. एक और चीज, सॉरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में व्हाट ऑल थिंग्स, एज आई सेड, प्राइमरी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल और टर्शरी को सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ओके. नाउ प्राइमरी में एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी में सर्विसेज, ओके. अब देखते हैं क्वेश्चंस के ऊपर. अब देखो, एज आई सेड 20 क्वेश्चंस करने हैं, तो क्या क्या इंक्लूड है. फर्स्ट हम करेंगे 7 थ्योरी बेस्ड, आपके टेक्स्ट बुक से निकाले हुए क्वेश्चंस, ओके. मतलब टेक्स्ट बुक के थ्योरी के ऊपर 3 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे और 10 केस स्टडी क्वेश्चन, मतलब 2 केस स्टडी करेंगे, हर एक केस स्टडी में 5-5 क्वेश्चंस होंगे. सो 10 7 + 3 10, ओके. और 10 + 10 20, सो 20 क्वेश्चंस हम करेंगे, ओके. चलो चलते हैं हमारे फर्स्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पे. यूजिंग शुगर केन एज रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़, अंडर व्हाट सेक्टर डज दिस आई. देखो, शुगर केन तो हमने ले लिया, वो ना शुगर केन तो मिल गया, अब हम उसको किसी चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग मतलब
ऑब्वियसली दी सेकेंडरी, करेक्ट, सेकेंडरी एक्टिविटी है. सो आंसर इज सी, सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वन. एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आर डैश विद ईच अदर, आर डैश विद ईच अदर, इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, रिलेटेड. देखो इन सबका मीनिंग अलग था, सेम ही तो, पर सबका अलग अलग है. व्हेन आई से इंडिपेंडेंट मतलब सब अलग अलग है, किसी का कुछ एक दूसरे लेना देना नहीं है. रिलेटेड मतलब किधर कभी कोई प्राइमरी सेकेंडरी से हो गया, सेकेंडरी टर्शियरी हो गया. इंटरडिपेंड मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे तो वो काम नहीं करेंगे. ओके, और एसोसिएटेड मतलब उनका कुछ एसोसिएशन है. सो आंसर विल बी क्या, इंटरडिपेंडेंट. लहाओ अगर प्राइमरी सेक्टर में हमने एक्सट्रैक्ट ही नहीं किए गुड्स, तो सेकेंडरी टर्शरी का क्या मतलब. सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, करेक्ट. मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करेंगे, प्राइमरी से. हमको एक्सट्रैक्शन चाहिए, वी नीड द रॉ मटेरियल्स. उसके बाद अगर गुड्स ही नहीं है तो सर्विसेज कहाँ से मिलेगी, सो नो यूज ऑफ टर्शरी. सो इसलिए सारे सेक्टर जो है दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज वन ऑफ द स्टेटमेंट विच करेक्टली डिफाइन्स अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट. सो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशनल डायरेक्टली से दैट व्हेन पीपल जो है वो कम काम कर रहे हैं, हाउ मच आर केपेबल ऑफ. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि आपके यू हैव अ ब्रेन ऑफ अ साइंटिस्ट. ठीक है, आप साइंटिस्ट का काम कर सकते हो, यू कैन यू बी एज अ साइंटिस्ट. बट आप काम कर रहे हो एज अ साइंस टीचर इन अ स्कूल. ठीक है, आप एज अ साइंस टीचर इन अ स्कूल काम कर रहे हो, सो इज इन दैट यूजलेस, अंडर एम्प्लॉयमेंट हुई ना. कि अगर आपका साइंटिस्ट जितना इंटेलिजेंस है बट इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कर रहे हो, साइंस टीचर पे हो. सो जितने केपेबल हो वर्किंग लेस देन दैट इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट. ओके, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन. Value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides what? ठीक है, so अगर एक year में ना particular year जो सारे sector primary, secondary, tertiary जितना final goods की value करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, that is known as the total production of the sector. वो sector ने, primary sector ने कितना पूरे साल में किया, that adds to the GDP. ठीक है, वो जीडीपी पे चला जाता है. सो आंसर इज सी. फिफ्थ क्वेश्चन देखो. विच आर द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री. प्राइवेट सेक्टर किसी ने स्पेसिफिक लोगों ने ओन किया. फर्स्ट वन बीएचईएल. बीएचईएल क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड. सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल नाम आ गया तो इलेक्ट्रिक तो कोई पर्सनल आगे नहीं करेगा ना, सो दैट इज ऑल्सो पब्लिक सेक्टर. टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनीज, करेक्ट. सो वो तो ऑब्वियसली प्राइवेट ही था ना, करेक्ट. हम पहले हमने पढ़ा है बहुत बार की आयरन एंड स्टील कंपनी, करेक्ट, उधर जमशेदपुर में, करेक्ट. सो टाटा ने खोली है, सो दैट इज ऑब्वियसली अ प्राइवेट सेक्टर. ऑयल क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड. सो ऑयल भी कोई एक जन जाके तो नहीं करे, वो भी पब्लिक है. एंड सेल, स्टील अथॉरिटी ऑन इंडिया लिमिटेड, वो भी. जब ऐसे इंडिया आ जाता है, लिमिटेड आता है ना, दोज थिंग्स आर ऑलवेज पब्लिक. सो टिस्को एक प्राइवेट सेक्टर है. ओके, नेक्स्ट वन. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्सक्लूसिव वर्क्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का कौन सा एक्सक्लूसिव वर्क है, ठीक है. सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, बाइंग एसेंशियल फूड ग्रेन्स, प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन, या ऑल ऑफ द. पब्लिक सेक्टर, पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट करेगी. सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी तो गवर्नमेंट ही देगी. एसेंशियल फूड ग्रेन्स, राइस और वीट, उसको फेयर प्राइस पे बेचना, दैट इज गवर्नमेंट्स जॉब ना. गवर्नमेंट इट इज, अगर प्राइस बढ़ेंगे कम होंगे. प्राइमरी एजुकेशन विलेजेस में प्रोवाइड करना, ओके, मतलब स्कूल खोल के. सो ऑल ऑफ दिस इज अ पब्लिक सेक्टर में आता है ना, बिकॉज ये सारा कुछ गवर्नमेंट ही करेगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट. अभी देखो क्या हो रहा है कि ऐसा दिख रहा है, ओके, दिख रहा है कि वो काम कर रहा है, ठीक है, बट एक्चुअली में वो अनएम्प्लॉयड है. सो व्हाट इज सच काइंड ऑफ सिचुएशन, इट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. एक बेसिक एग्जांपल जो एवरी टाइम हुआ, अगर फाइव पीपल का काम है, ठीक है, अगर पांच लोगों का काम है, इन दैट यू हायर एट पीपल,
एट हायर्ड पीपल, तो जो बाकी के जो तीन एक्स्ट्रा पीपल है, द नेट पीपल जो है उनका तो क्या हुआ, दे आर डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड। ओके, अब जाते हैं असर्शन रीजन पे। असर्शन कहता है रिपेयर पोर्शन एंड डेली वेज अर्नर्स आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव इंटर्नशिप। पहले हमको पहले ये लिखेंगे कि ट्रू या फॉल्स क्या है, ठीक है। सो एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, रिपेयर पोर्शन एंड डेली वेज अर्नर्स आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव इंटर्नशिप। करेक्ट, ये तो ट्रू एकदम है, बिकॉज जो डेली वेज हर डेली के डेली कमाते हैं लेबरर्स है, वो इतने काम के नहीं है इन दी टर्शरी सेक्टर। करेक्ट, रीजन क्या है, रिपेयर पर्सन डेली वेज ओनर्स आर अनस्किल्ड, देयरफॉर दे आर मोस्टली अनएम्प्लॉयड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। ये भी ट्रू है कि उनके पास इतनी ज्यादा स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मैनी टाइम्स हेल्थ भी नहीं है, सो दैट इज वाई वो सेकेंड टर्शरी में नहीं इतने प्रोडक्टिव है। राइट, सो बोथ ट्रू है और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड टू नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। करेक्ट, ये क्या बोलता है कि वेन एवर टोटल हमको हर एक 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 नहीं करना, हमको टोटल प्रोडक्शन फाइनल करना था, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। करेक्ट, ये ट्रू है। रीजन है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ये भी ट्रू है, जो फाइनल गुड बनेगा उसमें, जैसे इफ यू वांट टू मेक अ बिस्किट, बिस्किट के लिए यू विल यूज आटा, यू विल यूज शुगर, दिस दैट, सो वो सारा कुछ मिलके एंड फाइनल गुड में उसकी वैल्यू होगी। करेक्ट, सो दैट इज वाई हमको हर एक चीज का काउंट नहीं करना, सो दैट इज वाई बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक है, और आर एक्सप्लेनेशन है। 10th क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट फेयर प्राइस। क्या है ये, सही है कि गलत है? हाँ सही है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। गवर्नमेंट फार्मर्स ही करेंगे तो देन ओनली वी विल गेट रेन। रीजन है कि पब्लिक सेक्टर जो है इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक सेक्टर जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप करता है। हाँ वो भी ट्रू है, बट इनका कोई इंटरकनेक्शन तो नहीं है, देर इज नो इंटरकनेक्शन। फार्मर से गवर्नमेंट, फार्मर से लेरियर, पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, तो दैट इज नो रिलेशन। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, अब जाते हैं हम केस स्टडीज के ऊपर। ठीक है, केस स्टडी फटाफट पढ़ेंगे। अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन टू सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स एसेट्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। The public sector, the government owns the most, in the public sector, the government owns the most of the assets and provides all the services. In the private sector, ownership of assets and delivery of services is in the hands of private individuals or companies. Okay, तो हमको ये क्या बता रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। ऑलराइट, अब एग्जांपल्स दिए गए हैं, रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर, वेयर एज कंपनीज लाइक टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये है जो प्राइवेट है। करेक्ट, एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स कमाने के लिए, बट टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स। द पर्पज ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स बट टू इवन रेज मनी थ्रू टैक्सेज एंड अदर वेज टू मीट के ये जो एक्सपेंसिस किए हैं उनको हम वापस कैसे कमाएं। ओके, अब जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इन द प्राइवेट सेक्टर द एसेट्स आर ओन्ड बाय, प्राइवेट नाम आ गया, प्राइवेट सेक्टर है। करेक्ट, प्राइवेट सेक्टर में हु विल ओन द एसेट, जो प्रॉफिट एसेट है ऑब्वियसली इंडिविजुअल का, गवर्नमेंट को थोड़ी ना देंगे, हमारा प्राइवेट सेक्टर है, आई विल ओनली गेट एवरीथिंग। करेक्ट, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर ओनरशिप, पब्लिकली उन्होंने किया है, सो टिस्को, रेलवेज, रिलायंस या एयरटेल। टिस्को, रेलवेज, एयरटेल, ये सब तो प्राइवेट है। रेलवेज थोड़ी ना कोई एक जन या दो जन मिलके करते हैं, वो तो गवर्नमेंट ही संभालते हैं ना, इंडियन रेलवेज, सो दैट इज अ पब्लिक सेक्टर। 13 इज द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग द प्राइवेट सेक्टर इज टू व्हाट, कि क्या उनका पर्पस है, डेवलप कंट्री, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, अर्न प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनको क्या है मेन, उनको अपने प्रॉफिट कमाने, उन्हें कंपनी खोली, उनको प्रॉफिट अपना बढ़ाना है, डेवलप करना, कंट्री को एम्प्लॉयमेंट देना, वो सब पब्लिक सेक्टर करते हैं। ओके,
व्हाई द कॉस्ट ऑफ गुड्स आर मोर रीजनेबल इन द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में जो गुड्स के कॉस्ट होते हैं व्हाई इज इट मोर रीजनेबल. So, the due to welfare motive, due to high competition from other industries, due to competition private sector, due to lack of competition. अभी public sector में जो goods है उनका reasonable prices क्यों होते हैं? Because उनको लोगों का भला करना है, उनको public sector में welfare करना है, इस वजह से उनके जो prices है वो reasonable होते हैं. पहली case study का last question. Government sell at reasonable cost. Then how do they meet their expenses? एकदम reasonable price पे जो लोगों को जितना मिलना चाहिए उस हिसाब से करते हैं, so उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? So the answer is collection of tax, selling survey, a high price, raising through charity. So हमको लगे all of this all नहीं. The answer is taxes. टैक्सेस से उनको मिलता है. तो अगर हाई प्राइस हो तो बेच ही नहीं रहे, रीजनेबल पे बेच रहे, और चैरिटी के थ्रू तो चैरिटी की मनी थोड़ी ना बोलेंगे, करेक्ट. सो जब टैक्सेस पे करते हैं हम लोग तो इन दैट ओनली वो लोग अपना कॉस्ट को कवर अप कर लेते हैं. लास्ट केस स्टडी पे चलते हैं. द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, करेक्ट. ये तो पता है हमको. That we associate with industrial activity. It is the next step after primary. The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some processes is of manufacturing essential. This could be in a factory, a workshop, or at home also. For example, using cotton fiber from plant, we spin yarn and weave cloth. Using sugarcane as a raw material, we can make sugar or gur. And we convert earth into bricks and use bricks to make houses and buildings. So this sector gradually becomes associated with different industries that come up. It is also called as the industrial sector. So हमको किस बारे में बता रहे हैं? हमको mainly बात कर रहे हैं of the secondary sector. करेक्ट, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में हमको बता रहे हैं. ओके, अब क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 16 है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सच एज मेकिंग ऑफ ब्रेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर इज ग्रुप्ड अंडर व्हाट. हम ब्रेड बना रहे हैं किसमें से? मैन्युफैक्चर. मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन में आ गया तो ऑब्वियसली एक सेकेंडरी एक्टिविटी है, करेक्ट. नेक्स्ट, Which of the following is an important way of secondary sector? Important way of the secondary sector. Natural resources को extract करना, no. That is वो तो primary sector करता है, correct? Services provide करना, नहीं. वो भी tertiary करता है. Distribution भी tertiary करता है. Goods को manufacture करना secondary sector करता है, okay? Question number 18. If a woman has stopped going to the fields for cultivation and now works as a primary healthcare worker, then she has shifted from कौन सा sector to कौन सा? देखो क्या हो रहा है. उन्होंने पहले fields में जाते थे cultivation करने के लिए, ठीक है, fields में जाते थे वो cultivation करने के लिए. वो तो obviously primary activity हुई, करेक्ट. प्राइमरी में वो पहले काम करते हैं कल्टीवेशन करना. अब वो क्या कर रहे हैं? वो जाके हेल्थ केयर कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर. हेल्थ वर्कर क्या हुए? एक सर्विस है वो, दैट इज अ सर्विस. तो मतलब वो अभी गए टर्शरी में. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? वो प्राइमरी से टर्शरी में शिफ्ट हो गए. ओके, अब देखो 19th क्वेश्चन. इन ऑर्डर टू एनहांस द इंडस्ट्रियल सेक्टर The government should do what? Provide farm machines for tree, open more IT parks, open manufacturing units, या open schools. Industrial sector मतलब secondary sector, करेक्ट. अब secondary sector को बना, secondary का काम ही होता है manufacture करना. So अगर ज्यादा manufacturing units बनाएंगे तभी तो secondary sector बढ़ेगा. Last question of the day. Country rich in secondary and tertiary sector is known as what? ऐसी countries जो secondary और tertiary में rich होती है, what are they? Developing, multinational, developed या none of these? So answer is developed countries. अगर आपकी country secondary tertiary में एकदम rich है, so वो developed हो चुकी है. जैसे India एक developing country है. Why? Because हम लोग इतने rich हैं, हम लोग primary sector में ज़्यादा rich हैं. Okay, so developed countries answer. And with this, हमने आज के important 20 most important questions solve कर लिए हैं from the chapter sectors of Indian economy. Thank you so much for watching, students. Make sure आप video को like करो, share करो, subscribe करो channel को. And I'll be seeing you guys in the next videos. Okay, and what more videos you want, make sure to write in the comment section. I'll be seeing you soon. Till then, take care and goodbye.